चलो भाई आखिरकार इसने भी तो 1150 किलोमीटर दूर की ट्रिप करा दी है। एक पहले ही रजवाड़ा मिला है, सामने रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। ऑलमोस्ट 1150 किलोमीटर का सफर तय हो गया हमारा साइकिल से। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ सूरतगढ़ में और अभी देख रहा हूँ कहाँ पर व्यवस्था है। अब मैं जा रहा हूँ सूरतगढ़, तो मैंने ये सीधा ही रास्ता लिया हुआ और 70-71 किलोमीटर दूर यहाँ से दिखा रहा है। तो इसी को ये सीधा ही रास्ता है, सीधा ही मैंने रूट ले लिया है ये। तो इसी से निकल रहा हूँ मैं सूरतगढ़, ये रहा। अभी खाने वगैरह कुछ दिखा नहीं है क्योंकि मैंने ये रूट ले लिया था। रूट तो काफ़ी दूर का है, तो इस रूट में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन आग बरस रही है, आग बरस रही है, पूरा पैर जल रहे हैं बहुत बुरी तरह से। आगे का ही पता नहीं क्या रहेगा आज। आखिरकार रेगिस्तान में भी आया हूँ भरी गर्मियों में, हल्ला बोल गर्मी, पैर जलने लगे बहुत ज़्यादा। एक मंदिर है यहाँ पर, इसे ठीक कराने में साइकिल को पैसे बहुत लग गए। 250 पहले खर्च किए थे और लगभग 350 से ज़्यादा का आज खर्च आ गया, 350 खर्च आज आ गया, लगभग 600 रुपये से ज़्यादा का लग गया खर्च। चलो भाई आखिरकार इसने भी तो 1150 किलोमीटर दूर की ट्रिप करा दी है। और मेन बात यह है कि इन्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि कल से मैं अब तक इसको 20 किलोमीटर दूर से अधिक लेकर आ रहा हूँ, 25-30 किलोमीटर दूर के ख़राब होने के बाद भी स्थिति थी ठीक नहीं है, फिर भी आ गई है, अच्छी बात है। लेकिन इसके पावर ब्रेक पता नहीं इतने महंगे क्यों डले, बहुत ज़्यादा महंगे है यार। तो ये सीधा ही रूट है अपना, महाराजा अग्रसेन चौक। यार उल्टा चला गया था मैं, उस साइड से चला गया था मैं दूसरे की साइड से, मेरे को लगा रास्ता उधर से जा रहा है, इधर से जाना पड़ रहा है। अब इधर से निकलना हो रहा है, भाई कहाँ पर है क्या है, दिक्कत हो जाएगी वरना आगे। मिला ही नहीं यार कोई होटल, तो ये सीधा ही रास्ता है। काफ़ी बड़ी विशाल मूर्ति है हनुमान जी की। आगे कहाँ मिलेगा, खाना चल रहा है अभी अपना यहीं से गुजरते हुए, इसको करते हैं निकलते हैं। सो अभी फ़िलहाल खाना वगैरह कर लिया है और निकल रहे हैं हम अपना। अब जो है यहाँ से निकलना है क्योंकि धूप भरी ज़्यादा ही हो गई है, ये कवर कर लिया है मैंने, तो निकल रहा हूँ मैं।
अब इसके बाद रास्ते में ही ब्लॉग दूंगा, ठीक है भाई। एक पहले ही रजवाड़ा मिला है, इस पर लिखा है फोर्ट रजवाड़ा। तो अंदर से दिख नहीं पाएगा क्योंकि दीवारें ही बहुत बड़ी हैं यहाँ की। ज़्यादा साफ दिख नहीं रहा, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मैरिज हॉल है ये, शादी विवाहों के लिए। तो यहाँ से ही पहला है ये लाल। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, धूप का बहुत ही ज़्यादा है, हाथ पैर तक जला दे रहा है। इतनी ज़्यादा जो सूरज के टेम्परेचर है, इतना गर्म है ना, बहुत ही ज़्यादा। और चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि हवा आ रही है इस साइड से और धूप है बहुत ज़्यादा, चलना ही मुश्किल हो गया। अभी मैं ज़्यादा नहीं चला हूँ, श्रीनगर से मैं लगभग 15 किलोमीटर दूर ही बाहर आया हूँ अभी तक। 4 बज रहे हैं इस समय, आप समझ सकते हैं 1 बजे से निकलने वाला, 4:15 बज रहे हैं और 1 बजे मैं श्री गंगानगर से निकला था। तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये पानी की बोतल है। वहाँ पर ही पता लग गया था कि पानी की दिक्कत, शॉर्टेज हर जगह होने वाली है कि पानी नहीं मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा कुएं का इस तरीके से मिलेगा। तो मैंने एक पेट्रोल पंप से ही इसको भर के एक इस पर टी शर्ट ले गए, टी शर्ट को पानी में भेकर तब इसको चारों तरफ से बांध कर तब रखा है इसको। वरना अगर खाली बोतल छोड़ दी तो आधे घंटे बाद हाथ फूकने वाला पानी मिलेगा इसके अंदर। अभी भी लेके चला था वहाँ से पंजाब की ओर से, 15 मिनट बाद ही पानी हाथ फूंक देने वाला था, इतना गर्म हो जा रहा है पानी। तो इसको मैंने भिगो भिगो के चल रहा हूँ मैं, पानी एकदम खारा मिला है, बीच में पिया है मैंने। और वैसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं है यहाँ पर, एक हौजा थी, हौजा में ही पानी अपना भर के नहाना वगैरह वो लोग करते हैं। स्थिति ऐसी है और आप देख सकते हैं सामने ही, ये थोड़ी सी ज़मीन है जो कि इसके और ही, जो कि खेती की उपजाऊ ज़मीन है, वरना ठीक सामने रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, कुछ नहीं है रेगिस्तान के अलावा। सामने ये सामने यहाँ पर ये पेड़ों के पार सारा रेगिस्तान है, कुछ नहीं कह सकते। सूरतगढ़ अभी 50 किलोमीटर दूर है, कितने टाइम में पहुँचे। वैसे टारगेट तो है सफ़र भले ही रात में करना पड़े, करेंगे क्योंकि अभी सूरज बहुत तेज पड़ रहा है, शरीर को कवर करने के बाद तभी चला जा रहा है, वरना तो नहीं चला जा रहा है, स्थिति बहुत ख़राब है। हवाएं परेशान कर रही है, धूप ज़्यादा पड़ रही है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है तभी चलना पड़ रहा है। तो बने रहो आप, क्या रहता है आज का, कहाँ पर स्टे है, यहाँ पर कुछ पता नहीं। चलो पंजाब में तो गुरुद्वारा मंदिर सब थे, यहाँ पर कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता। स्थिति बहुत बेकार है और रेगिस्तान ही कई किलोमीटर दूर तक, यहाँ से बीकानेर भी 220 किलोमीटर दूर है। तो लोकेशन छोटी छोटी देखकर ही चलना पड़ेगा, अब ये नहीं कि जहाँ तक चल रहे हो वहीं पर जाकर रुक जाएंगे, ऐसा हिसाब यहाँ नहीं है, रेगिस्तान है। पर्टिकुलर एक सिटी के अंदर तक तो जाना पड़ेगा, चाहे 4 बजे तक, उसके बाद अगर आगे का रास्ता दिखता है ठीक है, वरना तो रुक जाओ। ये स्थिति रहने वाली है यहाँ पर, ऐसे नहीं चला जा सकता बिल्कुल भी क्योंकि रेगिस्तान है, बीच में तुम्हें पानी तक नहीं मिलेगा। चलते चलते हलक भी सूख जाता है।
ऑलमोस्ट 1150 किलोमीटर का सफर हो गया हमारा साइकिल से, और 6 स्टेट हमने कवर कर लिए है। 13 दिन का टाइम हो चुका है आज हमें, और देख सकते हैं राजस्थान की आग पड़ने वाली धूप है, चलना भारी है, मुश्किल। समझ सकते हो आप 1 बजे से 15 किलोमीटर दूरी में चला हूँ अभी तक। 4:30-5 बजे का टाइम होने वाला है। सूरतगढ़ का 45 किलोमीटर दूर का सफ़र है, कुछ नहीं पता चलना, हालत बहुत मुश्किल ख़राब है। पानी को भी पहली बार कवर करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि कीमत पानी की यहाँ पता लगेगी। 15 मिनट ही पानी अगर छोड़ दिया तो हाथ इतना गर्म कर देगा वो, इतना गर्म पानी होगा बहुत ज़्यादा, हाथ जला कर रख देने वाला पानी निकलेगा। और आधा घंटा आपने छोड़ दिया इसी तरह से, मैं इसको एक बोतल पे कपड़ा लगा कर कपड़े को भिगो कर तब चल रहा हूँ यहाँ से, वरना तो पानी दूर तक नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे सारा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में रेगिस्तान का तूफान भी उठ रहा है। यहाँ पर सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो सीधा पीछे को, और पीछे से आ रही है तो सीधा आगे को। हवाओं का रुख जो है यहाँ के वाहन बदल रहे हैं। ये देखो हवाओं का रुख ना यहाँ के वाहन तय कर रहे हैं, तो देख सकते हैं पूरा रेगिस्तान है, सिवाय रेगिस्तान के कुछ नहीं है। पानी भी दूर दूर तक नहीं पता, सफ़र अभी ये नहीं पता स्टे कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि कहीं पर भी चलते रुक जाओ, कुछ नहीं है यहाँ पर, ना खाना ना पीना कुछ नहीं। तो निकल रहे हैं थोड़ा सा, अभी सूर्य देवता कर मेहरबान हो जाए तो निकलेंगे, बाकी तो चल तो रहे हैं क्योंकि हवाएं भी सामने से आ रही हैं। तो ये अपनी सवारी है, और ये इमली के पेड़ हैं यहाँ पर यार, कांटे बहुत जाते हैं, कहीं पर खड़े हो जाओ तो कांटे ही कांटे नीचे मिलेंगे, खतरा रहता है। तो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है यहाँ पर। ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर का सफ़र जो था, अब 20 किलोमीटर दूर बाकी रह गया है। हालात लग नहीं रहे थे कि आज चला जाऊंगा यहाँ से, फिर भी 65 किलोमीटर दूर का सफ़र सूरतगढ़ का जो था 20 किलोमीटर दूर रह गया है। 7:45 का टाइम हो गया है, इस समय जो सूरज है राहत भरा है, क्योंकि टेम्परेचर 48 डिग्री तक का था। तो मैं आ गया हूँ अभी आधे रास्ते में ही हूँ, 20 किलोमीटर दूर में ही। श्रीगंगानगर से कोई होटल वगैरह कुछ नहीं था, एकाध जगह पर था और पानी का था, लेकिन पानी इतना मतलब ठंडा भी नहीं था, कुछ नहीं था, टेस्टी नहीं था। तो कभी भी अगर आप चल रहे हो राजस्थान के अंदर तो पानी को कैरी करना, और पानी को एक बोतल लेकर उसके ऊपर कोई कपड़ा जो कि बार बार कहीं पर भी मिल रहा हो तो उस कपड़े को भेते रहना, क्योंकि क्या होगा गर्मी का टेम्परेचर 48 का है, 15 मिनट अगर आपने पानी बोतल में से छोड़ दिया ना, हाथ जलाने वाला पानी मिलेगा आपको। जगह जगह पर पहली बार ही खुशकी आई है मेरे को, पानी की ज़रूरत पड़ी है मेरे को, यहाँ पर आकर आज तक नहीं पड़ी, वरना कितनी साइकिलिंग करी गला नहीं सूखा बिल्कुल भी यार, यहाँ सूख गया। तो अगर आप आ रहे हो तो ध्यान रखना इस चीज़ का, खाना वगैरह ऑलमोस्ट जहाँ पर मिले आपको वहाँ पर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि 2-4 किलोमीटर दूर में चल के मिल जाएगा कुछ भी। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, धोरे पास में ही थोड़ा खेती वगैरह का वैसा कोई हिसाब नहीं है, कुछ रेतीला भरा ही जगह है जिस पर कुछ बुआई वगैरह हो जाती है, पेड़ पौधों की जो सब्जियाँ वगैरह होती है उसकी उगाई है यहाँ पर। ये कुछ जगह है यहाँ पर जो कि काफ़ी खूबसूरत है बनी हुई। तो अभी हम निकलते हैं, और कितने देर में पहुँचेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, और क्या आज का स्टे है क्योंकि रात तो हो ही गई है, जाने में हो ही जाएगी, 8 बज जाएंगे। हवाओं का रुख इस तरीके से है कि जो ट्रैफिक है उसके हिसाब से चल रहे हैं, सामने से अगर ट्रैफिक आएगा तो हवा पीछे को ले जाएगी, पीछे से ट्रैफिक आएगा तो हवा आगे को ले जाएगी, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही चल रही है।
हवा जो है ट्रैफिक के रुख के हिसाब से चल रही है। और इस साइड में वो एक गुरुद्वारा भी है। ये राधा स्वामी सत्संग है यहाँ पर लिखा है। चलो फिर निकलते हैं, बाकी का आपको मैं बताता हूँ अभी पहुँचने के बाद ही। ये सारी मिलिट्री एरिया है। और मैं कैप्चर कर रहा था एक टॉप की फोटो जो कि पास से जाकर ही ठीक आती, ज़्यादा मैंने की नहीं क्योंकि वे कुछ कहें उससे ठीक है मत करो। सो फिलहाल मैं आ चुका हूँ सूरतगढ़ में और अभी देख रहा हूँ कहाँ पर व्यवस्था है। व्यवस्था कोई हो नहीं पा रही है यहाँ पर रुकने की, कोशिश करता हूँ कहाँ पर हो सकती है। ऐसी ही जगह है, उसको थोड़ा सा मेरे को करना पड़ रहा है, बाकी मैं आपको दिन में दिखाता हूँ।